आंटी मुझे आपसे एक पाई भी नहीं चाहिए। गुलजार बेटा ऐसा नहीं होता, वो लड़की के माँ बाप हैं, उनके भी अरमान हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। दुनिया को भी तो दिखाना होता है। दो लोगों के रिश्ते की बुनियाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होती है, ना कि आप सारी माशरे को प्लीज करते फिरें और खुद को मुश्किल में डाल दें। तुम शादी करोगे मुझसे? क्या शादी करोगी मुझसे? तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कभी ऐसा मजाक किया रामीन? अगर ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो तो मैं जैसा हूँ, जिस तरह का हूँ, तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ मैं कर चुकी हूँ। जो मेरी हरकतें हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मेरे साथ जुड़ी चीजें हैं, बड़ी नोबडी भी, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करो, वरना हम एक दोगले बेमायने अजीब से रिश्ते में अटके रह जाएंगे। कल आते हैं तुम्हारे घर। मुबारक हो, काफी मुश्किल इंसान के साथ जिंदगी शुरू करने जा रही हो तुम। जो सिलसिला अधूरा रह गया था आज हम उसे पूरा करने आए। अरे इस बार तो आपका केस पक्का है बहन जी, इस बार तो आप मुजरिम को अटकली लगा के साथ ही ले आई हैं। मुजरिम नहीं, जज कहिए भाई साहब, जो सिर्फ फैसला सुनाते हैं। हम तो माँ बाप हैं, फैसले में शरीक हो जाते हैं आजकल। जी भाई साहब, आजकल की नस्ल अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करना पसंद करती है। फिर बिस्मिल्ला कीजिए और तारीख दीजिए। तैयारी की बिल्कुल जरूरत नहीं है रामीन, आप लोगों से कुछ लेके नहीं जाएगी, मेरे पास जरूरत की हर चीज है। कोई जहेज नहीं, कोई गाड़ी बंगला, कोई फ्रिज वगैरह नहीं, कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं है, कोई वलीमा बारात दिखावे की जरूरत नहीं है। बस हम निकाह पढ़वाएंगे और रुखसती कर लेंगे आज। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को बगैर जेवर के रुखसत कर दूं? आंटी मुझे आपसे एक पाई भी नहीं चाहिए। गुलजार बेटा ऐसा नहीं होता, वो लड़की के माँ बाप हैं, उनके भी अरमान हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। दुनिया को भी तो दिखाना होता है। हमारे खानदान में जब भी शादी ब्याह का मौका आता है तो 8 से 10 दिन तक हंगामा होता है, बैंड बाजा बजता है, नाच गाना होता है, मायूं मेहंदी, सारे रस्म और रवाज होते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? दो लोगों के रिश्ते की बुनियाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे होती है, ना कि आप सारी माशरे को प्लीज करते फिरें और खुद को मुश्किल में डाल दें। मुझे गुलजार के सारे शरायत मंजूर हैं। वैसे भी असल चीज तो निकाह ही होती है ना, बाकी के अखराजात वो सब तो गैर जरूरी हैं। आपका निकाह बीबी रामीन बिनते दाऊद के साथ बाईवज 1,00,000 हक मेहर तय पा रहा है, आपको कबूल है? कबूल है। देखिए इडियट जुमेरात और जुमा 8 बजे। इशक ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम आदमी थे काम के। इस तरह के लोगों से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इनकी आंखों में आंखें डालो और लड़ो। और रुक जा रुक जा, हर किसी को तुम्हें सिखा भी नहीं सकता बनना। देखिए शिकार हफ्ता और इतवार रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।